जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से। आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये आज सुबह शाहबाद में जो स्ट्रीट डॉग, जो जंगली कुत्ते हैं, 13 लोगों के ऊपर अटैक किया और वो 13 लोग छोटे बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं, वो एक छोटा बच्चा जिसके जिसके फेस को ये जंगली कुत्तों ने अटैक कर उसके फेस को पूरा डैमेज किया। आज ये वीडियो बड़ी अफसोस के साथ मुझे बनाना पड़ रहा है ये वीडियो, कि हम लोग जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से इसके ऊपर मुसलसल प्रोटेस्ट किए, गुलबर्गा सिटी में भी किए, टाउन हॉल के पास भी किए और शाबाद तालुका में भी हम लोग प्रोटेस्ट किए कि स्ट्रीट डॉग को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये जो जंगली कुत्ते हैं ये बहुत एग्रेसिव हो गए हैं और ये लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और जिसमें ज़्यादा तौर पर छोटे बच्चे मैन अटैक कर रहे हैं। इसके बाद भी कमिश्नर को आज तक अभी तक कुछ इसके ऊपर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के से पहले हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग जिता के लेकर आते हैं। तो ये सवाल मेरा गुलबर्गा के अवाम, डिस्ट्रिक्ट की अवाम और साथ ही साथ ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी है ये सवाल। ये बड़ी अफसोस के साथ मुझे ये सवाल करना पड़ रहा है कि हम जिसको हम जिता के लेकर आए, चाहे वो कॉरपोरेटर है, चाहे वो MLA है, MP है, MLA के बाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर यहाँ पर बने, मिनिस्ट्री बने, मिनिस्टर्स बने, ठीक है, उसके बाद भी उनको जिताने का मकसद क्या रहता कि भाई हम लोगों की फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लस वार्ड का डेवलपमेंट, तालुका का डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए हम लोग जिता के लाते हैं। मगर यहाँ पे क्या हो रहा, खैर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर तो कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, करप्शन तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, मगर जब स्ट्रीट डॉग के ऊपर आता है, ये कुत्ते, जंगली कुत्ते जो हमारे बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जानलेवा अटैक कर रहे हैं, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी खामोश, MLA, MP, कॉरपोरेटर हर कोई खामोश इसके ऊपर। क्या हम ये लोगों की इसके लिए जिता के लें कि ये लोग हमारे मसले मसाइल के ऊपर खामोशी अख्तियार करें? ये बड़ी शर्म और बड़ी अफसोस की बात है। देखिए छोटा बच्चा, आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये छोटा बच्चा जिसके पूरे फेस को डैमेज कर दिया, इससे पहले वहीं पर शाहबाद में एक लड़की के ऊपर ये करा, उसकी आँख चली गई, वो बच्ची के ऊपर उसके ऊपर सर्जरी हो रहा है, वो बेचारे गरीब है, उनको कॉस्ट तक कवर नहीं हो रहा, उनका पैसों तक ये नहीं हो रहा, ये लोग कंपनसेशन के नाम पर सिर्फ एक प्रॉमिस देते जा रहे हैं। क्या यहाँ पे जीत के आया सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नजर नहीं आ रहा? क्या शाहबाद के MLA को नजर नहीं आ रहा? गुलबर्गा सिटी के 2 MLA हैं उनको नजर नहीं आ रहा? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमेशा डेवलपमेंट डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट का मतलब ह्यूमन सेफ्टी भी इसके अंदर आती है, बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इसके अंदर आती है। गुलबर्गे में रेप के इंसिडेंट हो रहे हैं, गुलबर्गे में क्राइम बढ़ते जा रहा, गुलबर्गे के अंदर नशा बढ़ते जा रहा, गुलबर्गे के अंदर कुत्तों का आतंक भी बढ़ते जा रहा, मगर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर आँख पे पट्टी डाल के सोगे हुए हैं। अगर हम जनता परिवार जब प्रोटेस्ट कर रोड पर उतर कर जब इनके खिलाफ बोलते हैं, तो कांग्रेस के चाहने वालों को लगता है कि हम जानबूझकर ये कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं बोलते बोलते। ये आपको कब एहसास होता है ये बात का, कि जब अगर कोई स्ट्रीट डॉग या क्राइम अगर आपके बच्चों के ऊपर, आपकी औलाद के ऊपर अगर होगा, या कोई कुत्ता, जंगली कुत्ता आपके बच्चों के ऊपर अटैक करेगा, उसका मुंह फाड़ेगा, तो जब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ जनता परिवार हक के लिए काम कर रहे हैं और सही लोगों, सही मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं। क्या जंगली कुत्ते जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कार्यकर्ता के मेंबर्स के बच्चों को नहीं काटे? यहाँ पर हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, ये आम खास पब्लिक जो आवाज़ नहीं उठा सकती, जो लड़ नहीं सकती ऐसी गवर्नमेंट के साथ, ऐसे नाकारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो बहरहाल मैं अवाम उन्नास से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ मैं, कि आप लोग सवाल करिए, आपके जो जिसको आप लोग जिता के लिए, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, मिलो उनसे सवाल करिए, उनको पूछिए आप कि भाई फलाना कुत्तों का इतना बड़ा आतंक चल रहा, हमारे बच्चे सेफ्टी नहीं है, स्कूल जा नहीं सक रहे, स्कूल जाकर रहता हमारे दिल में डर रहता कि हमारे बच्चे सही सलामत आ सकते नहीं आ सकते, लोग नशे में क्या भी कर सकते, क्या आप लोग सवाल करिए, आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? किस बात का डर है आप लोगों को? ये लोगों से डर रहे आप? ये लोग दे आर पब्लिक सर्वेंट, आपको मालूम होना चाहिए, उनको जिता के लिए इसका ये मतलब नहीं कि ये लोग हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप राज करने हैं, ये पब्लिक सर्वेंट है, इनका काम है हम जो बोले वो काम करना, अगर काम नहीं करते तो ऐसे लोगों को आगे जिताने का भी हक नहीं, ऐसे लोगों को नीचे जमीन में बिठाने का हक है आप लोगों को। बहरहाल ये वीडियो कॉरपोरेशन कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो MLA है, MP है, कॉरपोरेटर है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी, उनसे फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो उनके लिए है कि ये 1 महीने का टाइम दे रहे हैं हम लोग, यहाँ से 10 दिन है, अगर 10 दिन में तालुकाओं में से स्ट्रीट डॉग्स को लिफ्ट कर वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, सिटी के अंदर हटाया नहीं जाएगा, तो आने वाले वक्त में यकीन मानिए गुलबर्गा में आपके घरों के सामने कुत्ते लाके छोड़ेंगे, आपके घरों के सामने कुत्ते लाके छोड़ेंगे और वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा आपके घरों के सामने, बस बहुत आइए कमिश्नर के सामने, आपके घरों को घेराव करेंगे और वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा वहाँ पर, उसके लिए आप हमारे पर केस डालते, जेल में डालते, डाल दो, चाहे चलो गुलबर्गे के लोगों को तो मालूम पड़ेंगे आप लोग इसमें तो काबिलियत रखते हैं,
कि जो लोग हक के लिए लड़ते हैं वो लोगों के ऊपर केस करना, वो लोगों को जेल में डालना, यह काबिलियत रखते हैं। गुलबर्ग की आवाम को भी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग आप जैसे लोगों को जिता के लाते हैं। बहरहाल अब मैं यहाँ पर हम लोग कई बार रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, डिमांड कर रहे हैं, और गुलबर्ग की आवाम को भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक के लिए आवाज़ लड़े। ये आज ये बेचारे गरीब का बच्चा है, कल आपके भी बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि कुत्तों को गरीब अमीर ये हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें नज़र नहीं आते, उनके सामने टारगेट है, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा, जो उसको अटैक करो, उसको ये करो। कब तक खामोश बैठेंगे, जान के तक आप लोग खामोश बैठेंगे? साजिद कल्याणी जो जीडीएस के कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 27 के, कितने बार प्रोटेस्ट करना, कितने बार मूवमेंट करें, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। आखिर कब तक आप लोग खामोश रहेंगे, आपके बच्चों की जान के तक खामोश रहेंगे? ये देखिए, ये जुल्म है, खामोश रहना भी एक बहुत बड़ा जुल्म है, याद रखिए मेरी बात। मैं कुछ कॉरपोरेटर्स हैं जो हकीकत आवाम को, आवाम की खिदमत के लिए आए थे, मगर मुझे पता है ना, ये फेलियर लीडरशिप रहने की वजह से, फेलियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहने की वजह से वो लोग काम नहीं कर सकते। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, उनका दामन छोड़ो, आप आवाम का दामन पकड़ो, आप आवाम का दामन पकड़ो, वो आवाम जो आप लोगों को एक भरोसे से जिता के लेकर रही, चाहे वो शाहबाद के कॉरपोरेटर्स रहें थे, चिंचोली करें थे, जवरगी करें थे, कहीं के भी कॉरपोरेटर गुलबर्गा सिटी करें थे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको MLA की जरूरत नहीं है, आपको आवाम की जरूरत है, आवाम ही आपको जिता के लिए आगे भी जिता के लेंगे। आप जिस दिन अपने MLA के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, यकीन मानिए ये आवाम आपको फिर है आपको बराबर जिताएगी, आपको बराबर वो पोजीशन पे फिर लेकर आएगी। आप ये MLA ये बेकार ना करें, MLA का पीछा छोड़िए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उनको सवाल करिए। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, मजबूरन हमको वीडियो पे आना पड़ रहा, वीडियो पे कंडम करना पड़ रहा, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप लोग बैठते उनके साथ फिरते। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं देखिए सियासत किसी के बाप की जाके नहीं, आज उन्होंने तो कल हम है और कल हम ही चाहे, ये याद रखिए, गुलबर्गा में कल हम लोग ही रहेंगे, जनता परिवार ही रहेगी सियासत में आने वाले वक्त में। और डेफिनेटली ऐसे नाकारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और जो जो इरेस्पॉन्सिबल कॉरपोरेटर्स हैं, वो लोगों को हटाने में जनता परिवार बहुत बेहतरीन रोल करने वाली है आने वाले वक्त में, और हम करेंगे। और ये खुली बात है, ये अब कॉरपोरेशन कमिश्नर के पास बहुत हुए प्रोटेस्ट, अब हमारा ये मंथ के बाद ऐलान होगा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के घर के सामने प्रोटेस्ट होगा, MLO के घर के सामने प्रोटेस्ट होगा, आपको जो करना है कर लो, मगर अगर ये काम नहीं होगा, अगर स्ट्रीट डॉग्स अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद जो भी अंजाम होगा, गुलबर्गा भी देखेंगे, हम भी देखेंगे क्या होता है उसके बाद। शुक्रिया।